उत्तर प्रदेश में मानसून आने के बाद बारिश तो आई, परंतु बारिश के साथ कई जगह कुछ अनहोनी घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में एक गंभीर खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से 7 लोग झुलस गए, जिसमें से 2 की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रेफर भी कर दिया। बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से, जिसमें मिर्जापुर अंतर्गत अलग अलग थाना क्षेत्रों में 7 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से वह झुलस गए। इसके साथ ही 2 की स्थिति गंभीर थी, चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। यह पहली घटना हम आपको बता रहे हैं हलिया थाना क्षेत्र के हथेड़ा गाँव की, जहाँ पर सोमवार के दिन 3 बजे के करीब राधे मोहन दुबे की 21 वर्षीय पुत्री प्रियंका छत पर सूखने के लिए कपड़ों को रखी थी और उन्हें उतारने गई। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई और अचेत होकर गिर गई। वहीं दूसरी घटना हलिया थाना क्षेत्र के चक कोटरा गांव की है, जहां दिन में 3 बजे के करीब 18 वर्षीय सुभाष कच्चे घर के बरामदे में बैठा था। उसी दौरान तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली घर के बगल में आकर गिरी, जिसकी चपेट में आकर युवक झुलस गया और अचेत हो गया। वहीं उक्त गांव निवासी सास बहु श्याम राजी 40 वर्ष, प्रीति 20 वर्ष कच्चे घर के बरामदे में बैठी थी। उसी दौरान आकाशीय बिजली घर के बगल में आकर गिरी, जिससे सास बहु अचेत होकर गिर गयी। परिजनों ने घायलों को आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुँचाया, जहाँ पर प्रथम उपचार के बाद प्रियंका व सुभाष की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने मंडली चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि लालगंज थाना अंतर्गत उरवा गांव निवासी 60 वर्षीय अनंती, 40 वर्षीय गुलाब कली और 41 वर्षीय कैलासी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गए, अचेत हो गए। और वहीं परिवारजन आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर गए, जहां पर सभी का इलाज किया जा रहा है। R9 भारत टीवी स्क्रीन पर आप खुद देखिए इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर अवधेश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया से और राधे मोहन दुबे, कमलेश कुमार और चौधरी की यह वक्तव्य। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव, मिर्जापुर, R9 भारत। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव R9 भारत से इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर मौजूद हूं। हमारे सामने डॉक्टर अवधेश जी हैं। डॉक्टर साहब, आज आकाशीय बिजली की चपेट में आपके पास लगभग आधा दर्जन मरीज आए हुए हैं, क्या क्या नाम है उनके? नमस्कार, एक प्रियंका, ये 21 साल की है, हथियारा की रहने वाली है जी। दूसरा सुभाष 18 साल का है, चटकोटार का है। राम राजी, प्रीति, ये सब चेक कटार के हैं और लगभग 3% और है जी, जिसमें 2% और सीरियस है, सुभाष और प्रियंका, और लगभग ठीक है जी। जो दो को मैं रेफर करना है जिला अस्पताल जी, जी कर दिया, एम्बुलेंस के लिए फोन भी कर दिया जी, और मरीजों का इलाज यही के साथ। तो जो रेफर किए हैं सर, क्या उनकी हालत सीरियस है? हाँ, उनकी हालत सीरियस है, एक को दौड़े पड़ रहे हैं जी, और दूसरे को कुछ हो गया, झाग भी आ रही है जी जी, उसे कुछ खाया दिया होगा जो उसकी सांस की नली में चला गया है, स्पिरिट ऐसा कर रहा है जी। तो सर बेहतर उपचार है तो मंडली चिकित्सालय रेफर कर दिए हैं। अच्छा सर, बाकी 5 जो अभी हैं उनका इलाज यहाँ हो रहा है? अभी यहाँ हो रहा है, बीच में अगर कुछ सीरियस होता है तो फिर हम उसके बाद ओके इलाज हम यही बताते। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया? राधे। अच्छा, ये जो आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हुई, इनका क्या नाम है? प्रियंका। क्या क्या लगती है आपकी? पुत्री लगती है। पुत्री हैं? हाँ। तो कैसे दुर्घटना घटी है? कैसे? छत पर गई थी कपड़ा निकालने के लिए जी, उसी समय एकाएक इसके शरीर में लाइन को चपेट आ गए, उसी में मिस्टेक। मतलब छत पर गई थी कपड़ा उतारने के लिए, तो उसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। तो आप लोग यहाँ किस साधन से लेके आए? मोटरसाइकिल से लेके। अपने साधन से लेके आए? हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब देखे इसको? हाँ देखे। तो क्या बताया उन्होंने? कहें आज ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। मतलब अभी बता, देखे इसको? हाँ ठीक है। हाँ। इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। ओके धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? चक्कोटार। अच्छा, ये जो महिलाएं आई हैं दोनों, क्या नाम है इनका दोनों का? एक का प्रीति, एक का श्याम राजी। अच्छा, क्या लगती है आपकी? हमारी माता हैं। अच्छा, पत्नी है। अच्छा, ये आकाशीय बिजली की चपेट में कहाँ थी उस समय, जिस समय आकाशीय बिजली की चपेट में आई? घर में। घर में? हाँ। तो क्या बगल उगल में कहीं आकाशीय बिजली गिरी है क्या? हाँ। अच्छा, बगल में गिरी है? बगल में गिरी है, लेकिन हमने देखा नहीं। अच्छा, तो दोनों लोग अचेत होकर बेहोश हो गई? तो यहाँ कैसे लेकर आए आप लोग? प्रधान की गाड़ी से। मतलब अपने निजी साधन से आए हैं? तो इलाज चल रहा है? चल रहा है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका?
बोलिए चौधरी कहाँ के निवासी हैं? जयपुर। अच्छा, ये जो आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हुए हैं, क्या लगते हैं आपके? भतीजा हूँ। भतीजे ये कहाँ थे जब आकाशीय बिजली की चपेट में आए, कहाँ थे? मतलब घर में रहने, मतलब द्वारी के दरवाजे पर बैठे थे। बैठे थे तो आप बिजली कहाँ बगल में गिरी है क्या कहीं? बगल में गिरी कहाँ गिरी, हम तो रहेंगे अच्छा, मतलब ये बेहोश हो गए? हाँ, बेहोश हो गए हैं। अच्छा, हम घर पर नहीं थे। आप भी घर पर नहीं थे? नहीं भाई। तो यहाँ लाए तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर अब यही बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ नहीं पहुँच, ट्रांसफर कर, मतलब रिफर कर रहे हैं जिला अस्पताल के लिए।